हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशि फल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है, और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, हमारे काम में आ रही दिक्कतों को परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। साथियों, जो हमारे नए दर्शक है उनके लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जो राशिफल होता है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, यह आपके ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है, आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि इन 7 दिनों में हमारे साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ अशुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज्यादा फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि पर, कन्या राशि पर और तुला राशि पर। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पंचम स्थान पर, षष्ठ स्थान पर और सप्तम स्थान पर। इन 7 दिनों में आपको आपकी संतान की तरफ से जरूर कोई विशेष गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। संतान की तरफ से जो भी चिंताएं हैं उनको लेकर जो समस्याएं हैं वे आपको कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई देगी। उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके मानसिक विकास को लेकर, उनके आर्थिक जीवन को लेकर यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे दूर करने का प्रयास आपको इन 7 दिनों में करना चाहिए। साथियों, यह 7 दिन आपके कार्य क्षेत्र पर थोड़ा टेढ़े से रहने वाले हैं, थोड़ा थकान लेकर आएंगे। आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर आपको एक्स्ट्रा वर्कलोड दिया जा सकता है और इस कारण कहीं ना कहीं आप अपने आप को फुल्ली लोडेड पाएंगे। इस कारण कहीं ना कहीं आपका मानसिक तनाव आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर तरीके से संचालित करें, अपने कार्य क्षेत्र पर मन लगाकर काम करें, अन्यथा यह आपके लिए कुछ तकलीफदायक साबित हो सकता है। जो आपके अधिकारी है, जो आपके कलीग है, वे शायद आपको उचित मान सम्मान न देंगे, उनसे किसी प्रकार का मानसिक तनाव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथियों, पेट दर्द की समस्या या गैस की समस्या इन 7 दिनों में आपको हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार का यदि कोई दान धर्म करने का मौका मिलता है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। इस समय पर किया गया दान कहीं ना कहीं बड़े आर्थिक फायदे आने वाले समय में आपके लिए लेकर आएगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे क्षमा मांगता है तो आप उसको निश्चित रूप से क्षमा करें, उनकी गलतियों पर पर्दा डालें और आगे बढ़ें। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में कम से कम एक बार अपने माता पिता के निमित्त अनाज का दान आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। वृषभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर और षष्ठ स्थान पर। प्रॉपर्टी पर एक बड़ा खर्चा, एक आकस्मिक खर्चा यहाँ पर आपको होते हुए दिखाई देगा। प्रॉपर्टी खरीदने का मन है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कोशिश तेज करना चाहिए। वाहन पर या किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर भी आपका एक छोटा मोटा खर्चा यहाँ पर हो सकता है। साथियों, आप यदि किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग में हैं तो अपने आप को इस प्रकार की चीजों से बचाना चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए पारिवारिक कलह लेकर आएगी, यह आपके लिए पारिवारिक मनमुटाव लेकर आएगी और कहीं ना कहीं आपका मन असंतुष्ट रहेगा, असामान्य रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा को लेकर यदि आप कोई प्रयास करते हैं, यदि अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करते हैं तो आने वाले समय में उसके रिगार्डिंग कोई बड़ी सफलता आपको मिलते हुए दिखाई देगी। उच्च शिक्षा को लेकर यदि कोई भी प्रयास आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चालू कर देना चाहिए, एक बड़ी सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में यदि किसी प्रकार का कोई आकस्मिक पैसा आप कमाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, बस हरते पूरी सावधानी के साथ। एक बड़ी मात्रा में रुका हुआ पैसा या किसी प्रकार का आकस्मिक पैसा यहाँ पर आप कमा सकते हो, जो कि आपके आर्थिक जीवन के लिए, जो कि आपके व्यवसायिक जीवन के लिए काफी सफल साबित होगा, काफी फायदेमंद साबित होगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार गाय के दूध से बनी हुई खीर जरूर खाएं। ऐसा करने से आपको आपके राशि स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी और आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। मिथुन राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और पांचवें स्थान पर।
व्यवसाय को लेकर कोई बड़ा एग्रीमेंट, यदि आप करना चाहते हैं व्यवसाय में किसी व्यक्ति से भी कोई बड़ी आर्थिक सहायता आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कोशिशें तेज कर देना चाहिए। कोई बड़ा रुका हुआ पैसा यहाँ पर आपको आपके पास वापस आता हुआ दिखाई देगा। यदि आप कर्ज चुकाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपके पैसे व्यवस्था यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देगी। आप जितना अधिक से अधिक कर्ज हो सके यहाँ पर उतार दें। साथ ही इन 7 दिनों में आपका एक छोटा मोटा खर्चा किसी प्रकार की धार्मिक क्रिया पर या किसी प्रकार के धर्म कर्म पर, किसी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य पर हो सकता है। यदि धर्म कर्म करने का कोई आपको मौका मिलता है तो उसे बिल्कुल ना चूके। धर्म कर्म करने पर अधिक से अधिक ध्यान दें, अपने पुण्य को बढ़ाएं, अपने पाप को कम करें। साथ ही इन 7 दिनों में कोशिश करें किसी भी व्यक्ति का दिल बिल्कुल ना दुखाएं, खासकर किसी महिला का, अन्यथा यह आपके लिए बैड लक लेकर आएगा। इन 7 दिनों में आर्थिक रूप से आप काफी परिपक्व होने वाले हो, काफी संपन्न होने वाले हो। कोई बड़ी गुड न्यूज आर्थिक संपन्नता को लेकर यहाँ पर आपको निश्चित रूप से सुनने को मिलेगी। जिस प्रकार से, जिस तरीके से आपका आर्थिक जीवन बेहतर हो, वह कार्य यहाँ पर आपको करना चाहिए। नियर फ्यूचर में आने वाले समय में एक बड़ी सफलता यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? साथ ही इन 7 दिनों में दुर्गा माता के मंदिर जाकर दुर्गा चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से कंटिन्यू 7 दिनों तक करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि, साथ ही इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। छोटी छोटी यात्राओं के द्वारा आपको एक बड़ा आर्थिक लाभ यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा। साथ ही आप यदि अपने व्यवसाय का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, व्यवसाय को किसी नए लेवल पर, किसी नए गति के साथ आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको भरपूर प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी सफलता यहाँ पर आपको आकस्मिक रूप से मिलते हुए दिखाई देगी। वे लोग जो आपको कभी सपोर्ट ना करते थे, वे लोग भी आपको आपके साथ दोबारा जुड़ते हुए नजर आएंगे। पुराने लोग, पुराने क्लाइंट्स आपके पास वापस लौट कर आएंगे और यह आपके व्यवसायिक जीवन के लिए काफी सफल साबित होगा। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या एक नौकरी में रहते हुए किसी अन्य नौकरी के लिए आप यदि प्रयास करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। आप यदि प्रयास करते हो तो आपको एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगी। यदि ट्रांसफर चाहते हो, ट्रांसफर विद प्रमोशन आप यदि चाहते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हो। जो आपके अधिकारी है, जो आपके सहयोगी है, उनकी तरफ से आपको एक बड़ा सहयोग यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार के महिला आकर्षण से अपने आप को दूर रखें, पराए व्यक्तियों के आकर्षण से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा यह आपके लिए मानहानि का सबसे बड़ा कारण बनेगा और यह आपके लिए मन उदास करने वाली बातें रहेंगी। इसलिए इस प्रकार के कार्यों से अपने आप को दूर रखें। साथ ही इन 7 दिनों में कहीं न कहीं आप जो कार्य करते हैं उस कार्य की प्रशंसा ना होगी, आप जो कार्य करते हैं उस कार्य को उचित मान सम्मान न मिल पाएगा, और जिसके कारण थोड़ा बहुत मान सम्मान आपका कम हो सकता है, आपका मन उदास हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर डटकर काम करें, अधिक मेहनत करें, ज्यादा परफॉर्म करें, तब कहीं जाकर आप अपना मान सम्मान बचा पाएंगे और आगे आपको तरक्की मिल पाएगी। साथ ही इन 7 दिनों में वैवाहिक जीवन को लेकर यदि कोई दिक्कतें हैं तो उसे दूर करने की कोशिश कर लीजिएगा। एक बड़ी सफलता वैवाहिक जीवन को लेकर सुनने को यहाँ पर आपको जरूर मिलेगी। लव मेट को लेकर, प्रेम प्रसंगों को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आपको सुनने को मिल सकती है। क्या उपाय किए जाएं? साथ ही इन 7 दिनों में कम से कम एक बार गाय के दूध में बनी हुई खीर किसी गरीब व्यक्ति को आप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। मान सम्मान को लेकर, पद प्रतिष्ठा को लेकर किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज आप बिल्कुल ना करें। जो मान सम्मान आप चाहते हो वह मान सम्मान आपको मिलते हुए दिखाई देगा, चाहे वह आपके परिवार के द्वारा हो, चाहे वह आपके दोस्तों के द्वारा हो, या किसी प्रकार के समाज या देश के संगठन के द्वारा हो। जो मान सम्मान आप चाहते हो वह बराबर आपको मिलते हुए यहाँ पर दिखाई देगा। साथियों यह 7 दिन आप कहीं ना कहीं अपने स्वयं के ऊपर खर्चा करोगे, अपने शोक के ऊपर, अपने भोग विलासिता के आइटम के ऊपर आपका एक बड़ा खर्चा, आपका एक बड़ा खर्चा यहाँ पर हो सकता है, आपका एक बड़ा खर्चा यहाँ पर हो सकता है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक रूप से संतोष लेकर आएगा, मन में खुशियां लेकर आएगा। इन 7 दिनों में प्रेम प्रसंगों को लेकर कोई बड़ी गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। प्रेम प्रसंग में यदि किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, तो उन्हें दूर करने का एक भरपूर प्रयास यहाँ पर आपको करना चाहिए।
बड़ी गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको आपकी संतान की तरफ से कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। उनसे किसी प्रकार का विरोधाभास हो सकता है, किसी प्रकार का मन मुटाव हो सकता है, उनसे आपके विचार ना मिलना, उनके कारण किसी प्रकार की धनहानि होना, इस प्रकार के अशुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। जितना हो सके कम उम्मीदें रखें, कम कार्यभार अपनी संतान को सौंपें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार हरे रंग की चीजों का दान, जैसे हरे फल है या हरे मूंग है, का दान आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके सुसंज कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि, साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े शुभ समाचार यहाँ पर आपको सुनने को दिखाई देंगे। जो आपकी शारीरिक पीड़ा है उसके लिए कोई बेहतर डॉक्टर, कोई बेहतर दवाई गोली आपको मिलते हुए दिखाई देगी, जो कि आपके शारीरिक कष्टों को काफी हद तक दूर करेगी। अपने स्वभाव को लेकर यदि किसी प्रकार की कोई चिंताएं हैं तो उसे बदलने का प्रयास, उसे एक पॉजिटिव चेंजेस लाने का प्रयास यहाँ पर आपको करना चाहिए। आपको आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी बातों के द्वारा लोग नाराज होते हुए नजर आएंगे, इसलिए हो सके तो धीरे बोले, कम बोले और मीठा बोले। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं कोई बड़ी मनोकामना, कोई बड़ी विश यहाँ पर आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देगी। जिस किसी कार्य के पीछे आप काफी लंबे समय से लगे हुए थे, वह कार्य यहाँ पर आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कोशिश कीजिएगा कि किसी प्रकार के नॉनवेज या किसी प्रकार के शराब का सेवन आप बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपको आपके राशि स्वामी बुध ग्रह की स्थिति स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी और यह कहीं ना कहीं आपके भाग्य के लिए काफी सफल साबित होगा। तुला राशि, साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और पहले स्थान पर। भाग्य उन्नति का समय है ये। आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल पाने का समय है ये। आप जो प्रयास करते हैं उसमें बड़ी सफलता पाने का समय है ये। इसलिए अधिक प्रयास करें, भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना बैठे, भाग्य यहाँ पर आपका 100% साथ देगा। साथियों, इन 7 दिनों में आप जो भी प्रयास करेंगे उन प्रयासों के रिजल्ट, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, वह आपको पूर्णतः मिलते हुए दिखाई देंगे। किसी प्रकार का कोई बड़ा कर्ज यदि आप लेना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति से कोई रुका हुआ पैसा लेना है तो यहाँ पर आप उसके पीछे पड़ जाइए, बड़ा आर्थिक लाभ यहाँ पर आपको होते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में चूंकि 12वां घर आपके राशि से कनेक्ट हो रहा है तो एक बड़ा खर्चा किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर हो सकता है। लग्जरी आइटम की क्रय विक्रय यहाँ पर आपके हो सकते हैं, जो आपके घर में कहीं ना कहीं खुशियां लेकर आएंगे। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं एक लंबी यात्रा का मौका आपको बनते हुए दिखाई देगा। कुछ बिछड़े लोगों से मिलने का योग यहाँ पर आपका बनते हुए दिखाई देगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रसन्नता का विषय रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में जितना हो सके अपने मान सम्मान को लेकर पॉजिटिव रहें। अपने मान सम्मान कम ना हो इस प्रकार का कोई भी कार्य आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा मान सम्मान में एक छोटी सी कमी यहाँ पर आपकी हो सकती है। ज्यादा उम्मीद ना पालें, ओवर एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल किसी से ना रखें, अन्यथा यह आपके लिए उदासी लेकर आएगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार घंटी का दान किसी भी धर्म स्थान पर आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सुसंज कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि, साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर। किसी भी प्रकार का यदि कोई सरकारी कामकाज आपका उलझा हुआ है तो उसे पूर्ण करने की, उसे दूर करने की कोशिश करें। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको सरकारी अधिकारियों का, सरकारी लोगों का एक बड़ा आर्थिक सपोर्ट, एक बड़ा मानसिक सहयोग मिलते हुए दिखाई देगा, जो कि आपके व्यावसायिक जीवन के लिए, जो कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इन 7 दिनों में आपको जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य पर एक अनावश्यक पैसा यहाँ पर खर्च हो सकता है। पेट दर्द की समस्या या बैक बोन की समस्या, बैक बोन में दर्द की समस्या यहाँ पर आपको हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें, खाने पीने का आप विशेष ध्यान रखें। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके परिवार के लोगों का एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। उनसे यदि आप व्यवहार बना के रखते हो तो आपको उचित मान सम्मान मिल सकता है। कामकाज को लेकर काफी एग्रेसिव रहें। आप जितना कार्य करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना पैसा, उतना मान सम्मान आपको मिलते हुए दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं?
आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार संतान के ऊपर कुछ विशेष खर्चा जरूर करें। उनके मनपसंद की चीजें उनको गिफ्ट जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। धनुराशि साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी नवम स्थान पर, दसम स्थान पर और 11वें स्थान पर। भाग्य उन्नति के लिए, अपने प्रयासों में, अपने कार्य में सफलता पाने के लिए यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होंगे। बड़ी मात्रा में सफलता यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देगी। किसी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य पर आपका रुझान बढ़ेगा, आपका मन लगेगा। कोई नया कार्य, कोई आध्यात्मिक कार्य करने का आपका मन करेगा, जो कि आपके लिए, आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं न कहीं आपका छोटा मोटा खर्चा आपके संतान पर या किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर हो सकता है। संतान के ऊपर खर्च करना काफी लाभदायक साबित होगा। यहाँ पर आपको आपके परिवार के अंदर खुशी आती हुई दिखाई देगी और यह कहीं न कहीं आपके मन को प्रसन्नचित महसूस होगी। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का एक बड़ा बदलाव, एक पॉजिटिव बदलाव आते हुए दिखाई देगा। जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वह दूर होती हुई दिखाई देगी और यह काफी पॉजिटिव आपके लिए साबित होगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार हरे रंग के फल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी अष्टम स्थान पर, नवम स्थान पर और दसम स्थान पर। वाहन बड़ी सोच समझकर चलाएं। ओवर कॉन्फिडेंस अपने कार्य क्षेत्र पर गाड़ी चलाते समय और अपने व्यवहारिक जीवन में बिल्कुल ना रखें, अन्यथा छोटी मोटी मान हानि, छोटा मोटा आर्थिक खर्चा आपका अपने वाहन पर हो सकता है। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में कुछ बेहतर परिवर्तन आपको होते हुए दिखाई देंगे। आप अपने व्यवसाय को किसी नए लेवल पर यदि ले जाना चाहते हैं तो उसके अवसर यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपके व्यवसायिक जीवन के लिए काफी सफल साबित होंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी चेंज करने का योग यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देगा। यदि आप प्रयास करते हैं तो एक बेहतरीन नौकरी, एक बड़ी नौकरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। आपको आपके अधिकारियों का, आपके कलीग का एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी पॉजिटिव रहोगे। वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, अपने स्वास्थ्य के लिए जो भी नेसेसरी कदम है वह आप उठाते हुए नजर आओगे, जो कि आपके पर्सनल लाइफ के लिए काफी सुकूनदायक साबित होगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार दूध का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी सप्तम स्थान पर, अष्टम स्थान पर और नवम स्थान पर। यदि आपकी शादी नहीं हुई है और आप यदि शादी करना चाहते हैं तो मनपसंद जीवन साथी यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देगा। जहाँ बात चल रही है वहां पर संबंध आपको फाइनल होते हुए नजर आएगा। यह कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन को लेकर किसी प्रकार का तनाव है तो वह आपको दूर होते हुए यहाँ पर दिखाई देगा। साथियों, आप यदि किसी प्रकार की कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं या किसी पार्टनर से किसी प्रकार का आर्थिक या मानसिक सहयोग आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कोशिशें आपको तेज कर देनी चाहिए। एक बड़ी सफलता यहाँ पर आपको मिल सकती है। किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले यदि उलझे हुए हैं तो उसे सुलझाने का प्रयास यहाँ पर आप जरूर करें। कहीं ना कहीं मन चाह कार्य आपको पूर्ण होते हुए नजर आएगा। साथियों, शिक्षा को लेकर कुछ बड़े बदलाव, कुछ अच्छे बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं। आपकी शिक्षा में एक अपग्रेडेशन आ सकता है। कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोशिश आप जरूर करें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार पीले चावल का दान आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें या पीले कलर के फल का दान आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी छठे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। किसी भी प्रकार की कोई चिंता है, किसी भी प्रकार की कोई फिक्र है तो वह यहाँ पर आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। किसी प्रकार का लीगली कोई दिक्कत उलझी हुई है, किसी प्रकार का कोई पुलिस का सुलझा हुआ है तो यहाँ पर वह आपका दूर हो सकता है। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं कर्ज को लेकर आप थोड़ा पॉजिटिव रहें। कोशिश करें कि आपको कर्ज ना लेना पड़े, अन्यथा इस समय पर लिया गया कर्ज बहुत ही मुश्किल के साथ आप चुका पाओगे। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको आपका शत्रु पक्ष आप पर थोड़ा सा हावी होते हुए दिखाई देगा। वे लोग जो आपको परेशान करना चाहते हैं अपने इरादों में कामयाब होते हुए नजर आएंगे, इसलिए आप अपने शत्रुओं पर, अपने कॉम्पिटिटिव पर
थोड़ी सी पैनी नजर रखें, उनको अपने कार्यों में बिल्कुल भी सफल साबित ना होने दें। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं व्यवसाय के द्वारा या कोई बड़ा रुका हुआ पैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, कोई बड़ा रुका हुआ पैसा यहाँ पर आपके पास वापस आ सकता है। तो किसी भी प्रकार के कोई व्यक्ति से यदि रुका हुआ पैसा वापस लेना है तो उसके लिए आप जी जान से उसके पीछे पड़ जाइए। आकस्मिक रूप से एक बड़ी सफलता यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देगी। साथियों इन 7 दिनों में कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी बेड न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई बुरा इफेक्ट आपकी गलत आदतों का आ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान आप कृपया जरूर रखें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार घंटी का दान किसी भी धर्म स्थान पर आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।